पूर्व की सरकार में झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई, जिसको लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से हंगामा हुआ, परिवार वाले सड़क पर आए, परिवार वालों के परिजन सड़क पर आए, विधायक मंत्री सभी ने मुद्दा बनाकर सड़क पर आया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वर्तमान की सरकार में भी एक मॉब लिंचिंग हुई और पीछे देख सकते हैं आपकी पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर के माध्यम से ये आक्रोश जो है, अब आज से झारखंड विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और ये परिवार वाले जिनकी भी मॉब लिंचिंग में मौत हुई है, उनके परिवार वाले और कमेटी के, झारखंड मॉब लिंचिंग कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं कि आखिर क्यों धरने पर इन्हें बैठना पड़ गया है, उनके परिवार वालों को क्या कुछ मांगे हैं जो नहीं पूरी हो रही है और उसको लेकर अब धरने पर बैठने पर है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार मंत्री मुख्यमंत्री के पास ये लोग गए लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। बताइए क्या है पूरा मॉब लिंचिंग जो राज्य में लगातार घट रही है, जिससे पूर्व बीजेपी की सरकार थी जो रघुवर दास की सरकार थी, तब भी बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ, जैसे कि तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ, हालांकि अनेक हुए हैं लेकिन हम चर्चित केसों पे भी अगर नज़र डालें तो तबरेज अंसारी कौन यहाँ पर है, तबरेज अंसारी की देवा है, देवा शाइस्ता पन्नी मुबारक देवा है अगर सुनवाई है और सारे लोग हमारे साथ मॉब लिंचिंग की विधवाएँ सारे आ रही हैं क्योंकि सभी लोग बहुत दूर दूर के हैं, सभी लोग ज्वाइन कर रही हैं और सभी के राय मशवरे से मॉब लिंच में मारे गए जितने भी पीड़ित हैं उनके विधवाओं के साथ एक विधवा संघर्ष कमेटी बनाई गई है। चूँकि हम लोग हेमंत सरकार को सत्ता में लाने के बाद लगातार हेमंत सरकार से मिल रहे हैं, हेमंत सोरेन से मिले, लगभग चार बार उनसे मुलाकात हुई, दो तीन बार उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और हर बार वो ये आश्वासन देते रहे कि नहीं अभी आने वाले अगले टाइम में हम कर दे रहे हैं, अगले सत्र में कर दे रहे हैं या बीच में हम कर देंगे और इतना पॉजिटिव मूड में मुख्यमंत्री ने बताया कि शाइस्ता को अपनी बहन माना, तुम मेरी बहन हो और ये भाई जो तुम्हारे लिए, एक भाई जो बहन के लिए करता है वो करें, बहन तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सरकार तुम्हारे दरवाजे पर आएगी और सारे जो है इंसाफ तुम्हें दिलाएगी, तो इतना पॉजिटिव मूड में बोले थे पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात में भी, तीसरी मुलाकात में, चौथी मुलाकात में, हर मुलाकात में यही बात होता है कि सरकार कर रही है, अगले बार कर देगी, अगले बार कर देगी, कोरोना का लेकर के बिजी थे ये थे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सारे काम सरकार के चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, जो भी सरकार का प्रावधान है, बिल है, पारित हो रहा है और उस पर अमल में लाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग सरकार के प्रायोरिटी से अलग क्यों हट जा रहा है, प्राथमिकता से अलग क्यों हट जा रहा है, जबकि झारखंड में 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग है और झारखंड इकलौता राज्य है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की संसद में ये बात उठी थी और सबसे ज़्यादा घिनौना तरीके से, बर्बरता तरीके से मॉब लिंचिंग का केस तबरेज अंसारी को हुआ, जो पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की थी, अमेरिकी असेंबली में इस पर चर्चा हुई, पूरे देश के नेता इसके घर पहुँचे थे, हम लड़ेंगे और हम इंसाफ दिलाएंगे, हम वो करेंगे, हेमंत सोरेन जब सरकार में नहीं थे उस समय विपक्ष में थे, वो अपनी रैलियों में संबोधन में बोला करते थे कि तबरेज अंसारी और उनके साथ साथ जितने भी मॉब लिंचिंग हुआ है सभी को हम कड़े कानून के तहत सजा दिलवाएंगे और मुआवजा देंगे। अब जब सरकार में आ गए और हम लोग, ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन चाहते हैं, बोलते हैं लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी उन्हें रोक रही है और वो कब पास करेंगे, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके दरवाजे से लौट के आ रहे हैं, जा के आ रहे हैं, और सारे नेता चाहे कांग्रेस के सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब हों, हाजी हुसैन अंसारी साहब जब जिंदा हयात में थे उनसे भी मिले, उनके बेटे अभी हफीजुल हसन साहब मंत्री बने उनसे भी मिले, दीपिका पांडे जो महगामा के विधायक हैं उनसे भी मिले, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, कोई नहीं, हर बार होता है कि नहीं बनेगा, बनेगा, जल्द बनेगा, अगली बार बनेगा, तो हम लोग ये थक गए, तो अब हम लोग बैठे हैं आखिरी निष्कर्ष पे आके यहाँ पे कि बापू महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए देश को आज़ाद कराया, हम लोग भी अहिंसा के रास्ते पे यहाँ बैठे हैं और हम लोग चाहेंगे कि आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ विधानसभा की कार्यवाही को लाइव देख रहे हैं और आपसे उम्मीद चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पर जो है कानून आप ला करके पारित कर दें, क्योंकि
इससे हम नहीं चाहते हैं कि सरकार की किरकिरी हो, क्योंकि सारे मुद्दे पे बहुत अच्छी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पे भटक रही है। क्यों साहिस्ता से बात कर लेते हैं, साहिस्ता परिवार वाली है, किस तरीके से आपको आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया था, क्या कहना चाहेंगे? बहन माना लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उम्मीद है कुछ होगा, क्या चाहते हैं होना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आप? क्या नाम है? क्या कुछ आश्वासन मिला था आपको सरकार से? क्या चाहते हैं? कानून बननी चाहिए। क्या कहेंगे आज बैठे हैं? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है वो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, देश के हालात जिस तरह से हैं, काफ़ी दिनों से मॉब लिंचिंग चल रही है, देश के हर कोने में हो रही है। मगर अभी क्या हुआ कि झारखंड को जैसा ये सेंटर पॉइंट हब बन गया है जहाँ मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा होती है, और लगभग 50 से ज़्यादा केसेस हैं मॉब लिंचिंग के यहाँ पे। झारखंड सरकार जब नहीं थी, बीजेपी गवर्नमेंट जब यहाँ पे था, तो उस समय तो समझ में आता था कि भाई उसके मंत्री जो मोबलिंचिंग करते हैं, जो आके माला पहनाते हैं, इस तरह से मतलब समय में ऐसा लगता था कि वो समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ों का। तो अब चूँकि जब सरकार जब बदल चुकी है, अभी क्या है कि कम्युनिटी ने पूरा भरोसा कर रखी और उसको सत्ता में लाया है कि हमारे लिए काम करेंगे, और अब जब मोबलिंचिंग की घटनाएँ वो खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रही हैं, जब सरयमन सरकार के बनने के बाद भी बहुत सारी मोबलिंचिंग घटनाएं बिहार फिलहाल बनी हुई हैं, तो है क्या कि ये एक्चुअली क्या है कि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के मानसिकता के लोग, उन लोगों को ये पॉपुलर होने का एक अच्छा मतलब एक स्टंट हो गया है कि भाई हम किसी को मार पीट देते हैं, वीडियो बना देते हैं, उसको वायरल कर देते हैं, जो हम अच्छे लीडर बन सकते हैं, इस तरह करके मतलब ये एक तरह से पॉपुलरिटी स्टंट हो गया है। तो अब क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन जी हैं, यहाँ के मुखिया हैं, सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, हर तरह के काम वो कर रहे हैं, जैसा कि खान साहब ने बताया कि बहुत अच्छा सुशासन वो चला रहे हैं, मगर सिर्फ मॉब लिंचिंग की जब बात होती है तो आश्वासन ही मिला है आज। तो अब चाहिए कि सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा का, इस सत्र में ही वो मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाए, इसलिए बनाए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ फिर ना हो, दोबारा सख्त कानून बनाए, यहाँ तक कि हम लोग ये चाहेंगे कि उनको फांसी, जो भी मॉब लिंचिंग घटनाएं करते हैं उनको फांसी की सज़ा हो, और साथ ही साथ ये कानून में ये भी पारित करें कि उनके साथ जो भी विक्टिम हैं, उनके घर वाले हैं, जो बेवाएँ हैं, उनके मरने डेथ के बाद में लोगों का देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं है, तो इनको जो है एक मुआवजा 25 लाख से 50 लाख जो एक तय कर दें, ताकि इनको एक इनिशियल मदद हो जाए। उसके बाद इनके जो बच्चे हैं, आज आप देख रहे हैं इनका बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फ्यूचर को भी सुनिश्चित करें, और इनका एजुकेशन का जो खर्चा है और जितना भी खर्चा होगा वो सारा सरकार बेयर करे, अच्छे अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं इस सत्र में सरकार इसको पारित करे, और संघर्ष के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं मोहम्मद साजिद आलम, IUML, वर्किंग प्रेसिडेंट, झारखंड स्टेट। बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि जैसे बीजेपी सरकार में तो हो ही रहा था, इस सरकार हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी तब से मैं कुछ आंकड़ों पे आपको डाल दूँगा। 18 अप्रैल 2020 को रामगढ़ में पेशाब कर रहे जाबिर अंसारी उर्फ राजू को लोगों ने पीटा। 2020 में दुमका में सुभान अंसारी बकरी चोरी का आरोप लगा करके पीटा।
और जो है गोड्डा में भी बकरी चोरी का बबलू साह, उचित कुमार, इन सबों को मारा गया, पीटा गया। गाय के नाम पे पूर्वी सिंह भूम में गाय का मांस खाने के हमें रमेश बेसरा को भी मार करके पीट करके मार दिया गया। दुमका में जो है मतलब कुछ हिंदू को भी, हाँ आप धर्म कोई भी, हम लोग सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर मॉब लिंचिंग के लिए कानून बने इसके लिए नहीं, हम मॉब लिंचिंग के ऊपर सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। रांची की अंतरात्मा व्यावसायिक हब आपका अपर बाजार, वहाँ पे सचिन वर्मा को जो ट्रक चोरी के आरोप में कूद कूद के मार देती है और वीडियो बना के वायरल कर देती है। हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ कल तक बहुत सारे मॉब लिंचिंग की विधवाएँ सब और उनके आश्रित जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी विशेष धर्म के लिए सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, हम मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून कर रहे हैं कि जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को एड़ियों तले कुचल करके और जो है सरेआम मारते हैं और उन्हें धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश करते हैं और जो है फिर वो चर्चित हो जाते हैं। बीजेपी और उसके विंग्स के नेता उनको सम्मानित करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनका जो है हौसला बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कुछ भाई उनकी वजह से मोटिवेट होते हैं और वो प्रेरणा पाके इस तरह की हरकतें करते हैं। वो ये नहीं समझते कि उनका कैरियर कितना बड़ा ख़राब होगा। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक बैठेंगे, क्योंकि ये लगातार 2 साल से 5 बार 6 बार हम लोगों ने सरकार के चौखट पर जाके दरवाज़ा खटखटाया। अब हम लोग बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कानून मिलेगा तभी जाएंगे, अन्यथा महीनों चलेगा, सालों चलेगा, ये हम लोग बैठे हैं। तो देखिए, महीनों सालों तक चलने को लेकर ये बातें कही जा रही है और मॉब लिंचिंग की कई सारे आंकड़े अध्यक्ष जी ने बुलाया है, कमेटी बनाई गई है, मॉब लिंचिंग की विधवाएं जो है वो धरने पर बैठी हुई है। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सरकार जो है कई दिशा में कार्य करे, विधानसभा सत्र चल रहा है और एक कठोर कानून अगर मॉब लिंचिंग पर बनाती है तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है और एक खौफ समाज में कायम करने की जरूरत है। और जो भी जिनके साथ, जिनके परिवार वाले के साथ ये मॉब लिंचिंग की घटना घटी है उनको मुआवजा दिलाने की बात जो है कही जा रही है उसको लेकर यहाँ पर धरने पर बैठा गया है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं रोशन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।